जनगणा मन नमो। दोस्त, आपने सुना होगा रत्नाकर वाल्मीकि बन गया था और रामायण लिखा था। फिर आज मैं एक वाल्मीकि कैसे रत्नाकर बन गया ये स्टोरी सुनाता हूं। ये वाल्मीकि था अरविंद केजरीवाल था, अभी रत्नाकर बन गया। केजरीवाल जी, आपसे पूछता हूं, क्या थे आप, क्या आदर्श था आप में, और जब आपको पहाड़ मिल गया, गद्दा मिल गया, सिंहासन मिल गया, आप क्या क्या कर रहे हो? शर्म से झुक जाते हैं माता। आप अन्ना जी का साथी था, क्या सीखा उनसे? हाँ, आप देखो कौन नहीं है आपका पार्टी का अंदर, बलात्कारी भी है, घुसखोरी भी है, स्कैम वाले भी है, और अब आपका जो उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, उसको भी क्लेम लग चुका, आपको भी क्लेम लग चुका वो एडवर्टाइजमेंट स्कैम पर। अरे केजरीवाल साहब, आपने तो हद कर दिया। अरे जो अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है, हमको मालूम है, वो नहीं है, वो ऐसा ही कर सकते हैं, और जो अच्छा ही के ये 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 अच्छाई का मुखुज पहन रहते हैं, ये इन डिसग्रेस, उसका माफ कभी हम नहीं कर सकता। हाँ, ये जो नकाब, अच्छाई का नकाब आप पढ़ रहा था, वो खुल रहा है, खुल रहा है। मैं, मुझे शर्म आता है, कभी आप जैसा पार्टी में मैं भी थोड़ा योगदान किया था, थोड़ा डोनेशन किया था। यस, ऐसा ही पार्टी होना चाहिए, ऐसा ही नेता होना चाहिए। आप शर्मिंदा हूं मैं, क्यों क्यों बन गया आप ऐसे? खमता, पावर, ये सब आपको ऐसा बना दिया? हां केजरीवाल जी, देखो बहुत भरसा किया था आपको, सिर्फ दिल्ली वासियों ने, देशवासियों ने, आपको मालूम भी नहीं है कितना भरसा किया था, और आप क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है आपसे? आप फिर उसको जगा लो, आपका हिम्मत जगा लो, ओ ईमानदारी आप जगा लो यार। देखो उसमें ही ताकत ज्यादा होता है, ऐसा ऐसा नहीं भाई जो कर रहे हो आप, और जिस जिसको आपका पार्टी में आप प्लेस दे रहा हो, अरे आप तो जोगिंदर के निकाल दिया यहां से। हाँ, और किस किस अच्छा आदमी को निकाल दिया आपको पार्टी से? भाई सोचो अरविंद केजरीवाल जी, आप सोचो तो अच्छा फेर हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, हाँ सकते हैं, हाँ। जनगण मन।